हाय गाइस, मैं अभिषेक कालखंडे। मैं थाईलैंड आया था, तो थाईलैंड में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मतलब यहाँ पर हिंदू भी नहीं है इतने। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर हिंदू धर्म की मूर्तियाँ इतनी हैं, मतलब बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे मूर्तियाँ हैं? तो फिर मैंने पता किया, तो पता चला कि ये लोग अपने आप को श्री राम के वंशज मानते हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से ही निकल कर आए हैं। तो फिर मैंने प्रॉपर इसके लिए मैं एरिया में जैसे घूमा, तो वहाँ पर मुझे मतलब मोस्टली ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे इनके होटल्स थे उन सभी में मुझे वो मूर्तियाँ मिली। तो मैं आपको आज मतलब वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर एक फ़र्क है इंडिया में और थाईलैंड में। इंडिया में श्री राम हमारे दिल में बसते हैं और बैंकॉक में दिल में बसते हैं, पर वो लोग उसको सामने जाहिर करते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा धर्म है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ। अभी मैं बैंकॉक के सुखुमवित एरिया में हूँ और ये बैंकॉक का सबसे पॉश और सबसे टूरिस्ट वाला एरिया है। और यकीन मानिए, यहाँ पर बैंकॉक की सबसे खूबसूरत प्रतिमा है जो कि हमारे भोले शंकर की है। और ये देखिए, इसमें भोले शंकर का अर्ध नारेश्वर रूप दिखाया गया है, जिसमें भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ एक ही स्वरूप में है। और जब मैंने इसको देखा पहली बार, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। ये देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितनी अद्भुत और खूबसूरत है। और इस एरिया को आप ऐसा मत समझिए कि ऐसा वैसे एरिया है। ये देखिए, ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग इस एरिया में हैं। तो ये बहुत डेवलप्ड एरिया है और सबसे अच्छे एरिया में से एक है बैंकॉक के। ये बेहद खूबसूरत है, जब आप इस एरिया में होंगे तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। ये देखिए, गणपति बप्पा मोरया यहाँ पर विराजमान है और ये एक बार है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है कि ये लोग अपने भगवान को अपने जो भी प्रतिष्ठान है उनके सामने रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भगवान हमारे घर के अंदर होते हैं, तो ये शायद बाहर रखते हैं, मुझे ऐसा कुछ लगता है यहाँ पर। मुझे बैंकॉक की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर अपने भगवान को सबसे आगे रखा जाता है। मैं जो कह रहा था ना कि हर बड़े प्रतिष्ठान के सामने उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति लगाई हुई है, ये हमारे भोले शंकर हैं। और कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि वो इन मूर्तियों के सामने अपने यहाँ के भोग भी रखते हैं, जैसे कि अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे वो खाना रखेगा, किसी की कोई शॉप है तो वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक रखेगा, तो इस टाइप में। ये बड़ा अच्छा यहाँ का एक मुझे कल्चर, आप कल्चर भी कह सकते हो उसको। ये मेरा होटल है और होटल के सामने गणपति बप्पा विराजमान है, ये देखिए। और बड़े बड़े ही अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है गणपति बप्पा को। और यहाँ पे मैंने देखा था, लोग आते हैं और यहाँ पर ना अपना अपना सामान, जैसे कि देखिए ये भोग लगाते हैं, यहाँ का कोई ट्रेडिशन है। जय गणपति बप्पा मोरया, ये मेरा होटल है। थाईलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गरुड़ है, और यदि थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे भगवान राम और रामायण का कोई ना कोई संबंध थाईलैंड से ज़रूर है। ये यहाँ के राजा की फ़ोटो है। थाईलैंड का संबंध भगवान राम से है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो थाईलैंड का सर्वश्रेष्ठ टाइटल होता है वो भगवान राम के नाम पे ही है, और वो टाइटल सिर्फ थाईलैंड के राजा को ही दिया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि जो यहाँ के राजा है, थाईलैंड के राजा है, वो ये मानते हैं कि हम भगवान राम के ही वंशज हैं। ये दूसरा होटल है, इसका होटल का नाम ये है, ये SM ग्रैंड। इसमें भी इन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की हुई है बाहर। शिव जी भगवान की ड्रेस चेंज कर दी उन्होंने तो, और हमारे यहाँ पे शिव जी भगवान की जटाओं से गंगा निकलती है। यहाँ से साइड में जो हाथ में कलश पकड़ा हुआ ना, उससे गंगा जी निकल रही है, ये ब्लू कलर की है हमारे पक्का। ये शिव जी महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है पक्का, मुझे पता नहीं, ये तो हमारे
विष्णु भगवान मुझे लग रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु जी विराजमान है, प्रॉपर इनका मंदिर बनाया हुआ है और इनको सबने अपने अपने रेस्टोरेंट वगैरह जो भी जिसके जो भी यहाँ पर काम करते हैं उन सब को ही देखो डिशेज, जैसे यहाँ पे ये शायद कोल्ड ड्रिंक है। हाँ ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही पर शायद कोल्ड ड्रिंक ही है, फेंटा वगैरह कुछ। तो इन्होंने इनको इनका भोग लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है। ये वेंडिंग मशीन है। ऐसे ही हर जगह पे ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर भगवान विष्णु शिव जी गणेश जी इन सभी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं अपने प्रतिष्ठान के बाहर, अपने रेस्टोरेंट के बाहर, अपने होटल्स के बाहर, अपने पीजी जो भी जिसका व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी हुई है। ये होटल इबिस है और यहाँ पर ये इन्होंने शायद ये ब्रह्मा जी हैं या विष्णु जी हैं, इनकी मूर्ति स्थापित की हुई है यहाँ पर। इस बिल्डिंग के सामने भी ये शायद हमारे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। जब आप इंडिया से थाईलैंड आएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने देश से दूर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप इंडिया में देखते थे। अभी मैं फुकेट के बिग बुद्धा टेम्पल पर हूँ और जैसे मैं यहाँ आया मुझे नीचे की तरफ ये हमारे गणेश जी और ये सामने शायद माँ काली हैं, कुछ अलग स्वरूप में इन्होंने यहाँ पर इनको रखा हुआ है। मतलब जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है कि जितने भी हिंदू देवी देवता हैं वो यहाँ पर हैं और उनकी पूजा होती है, पर मोस्टली देवी देवताओं का इन्होंने स्वरूप चेंज किया हुआ है, यानी कि जैसे उनकी ड्रेस चेंज की है या कोई भी अलग मतलब अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनको लिया गया है। और जैसे मुझे लगता है कि ये शायद हमारी नवदुर्गा माता हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको थाईलैंड में हिंदू धर्म के बारे में बता सकूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।